हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो ये है लिटिल लाइब्रेरियन, माय फर्स्ट सेट ऑफ 12 बुक्स। तो ये 12 बुक्स का सेट है जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था मेरी डॉटर के लिए, जो कि वो अभी 14th मंथ की है। तो ये ऐसा नहीं कि 1.5 ईयर के बच्चे इसे यूज़ कर सकते, बड़े बच्चे भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अभी की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना की जो चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते और किसी के घर नहीं जा सकते, घर पे ही वो बोर हो रहे हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को घर पे ही और फन के साथ लर्निंग कराने के लिए। तो मैंने ये बेसिकली फ्रिया के लिए मंगवाया था, जो कि वो बहुत छोटी है, बट वो उससे बहुत हैप्पी है। उसने बहुत ये बुक्स देख के वो बहुत खुश हो गई थी, और 2 बुक्स मैंने यूज़ में निकाली हैं तो उससे वो काफ़ी कुछ सीख भी गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कौन कौन सी बुक्स आती है। तो बेसिकली ये 12 बुक्स का सेट है। तो ये 2 मैंने अभी निकाला है उसको सिखाने के लिए। ऑब्वियसली वो बहुत छोटी है, बट फिर भी वो बहुत अच्छे से सीखने लगी है। तो पहले मैंने उसको बर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट का ये 2 बुक्स मैंने निकाली थी। तो ऐसी बुक्स में ऐसे देखो अलग अलग बर्ड्स के पिक्चर्स आते हैं। और उसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही एक नंबर है, बहुत ही मस्त क्वालिटी है। बच्चे चाहेंगे फिर भी ये उसको तोड़ नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि बुक्स बच्चे ऐसे फाड़ ही देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है अल्फ़ाबेट का, ये है बर्ड्स, तो ऐसे। और उसका पैकेजिंग बहुत ही मस्त आया था। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरी बुक्स को बाहर निकाल दिया है, हम देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स है, जैसे कि आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स, जो कि आपके बच्चे अगर नर्सरी प्ले ग्रुप में जाते हैं तो आप उनको यहाँ से सिखा सकते हो। और ये है शेप्स, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। ओवल हो गया, एग हो गया, ट्राइंगल हो गया, पिज़्ज़ा स्लाइस, फोटो फ्रेम, अलग अलग बहुत सारे शेप्स हैं यहाँ पर। सो और ये है कलर्स, तो हमें बच्चों को ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कलर क्या है ये। तो यहाँ पे सब देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर के साथ दिखाया गया है। येलो सनफ्लावर येलो होता है, ग्रीन ब्रोकली हो गई, फिर स्पिनच हो गया, ये है ब्लैक कलर, तो बहुत ही अच्छा है ये। उसके बाद है ये व्हीकल्स, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे है कि ये उसको क्या बोलते हैं, ये है कार, मोटर बाइक। तो ऐसे सारी बुक्स है। फिर ये हो गई राइम्स, जो किड्स बच्चे हमारे राइम्स देखते हैं ना, चूचू टीवी वगैरह, उसमें जो राइम्स आती है वो सारी यहाँ पे। जैक एंड जेल हो गई, फिर इट्स बर्ड स्पाइडर, जैक एंड जेल इन द बॉक्स, बहुत सारी राइम्स है यहाँ पे। आप बच्चों को टीवी में दिखाइए और उसके बाद इसमें दिखाइए, तो बच्चे आसानी से उसको सीख जाएंगे। और यहाँ पे वंडरलैंड है, कि यहाँ पे देखो कार्टून्स के कुछ पिक्चर्स है उसके साथ, उन्होंने डिस्क्रिप दिया हुआ है यहाँ पे, मेंशन किया हुआ है सब कुछ। और उसके बाद ये हो गई पेट एंड फार्म एनिमल। तो बच्चों को ना इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रहेगा इसमें, और ये जब पिक्चर्स देखेंगे ना तो वो बहुत ही और एक्साइट होंगे, स्टडी करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है बिगिनर्स के लिए, कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते और घर पे बोर हो रहे, तो आप ये इसको बाय कर सकते हो। और फिर ये पीपल एट वर्क, जैसे कि हमारा कौन कौन सा वो पीपल क्या 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 काम करते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, मैनेजर हो गए, डॉक्टर हो गया, प्लम्बर हो गया, तो बहुत सारी इसमें भी है पिक्चर्स। उसके बाद है फ्रूट्स। तो बच्चों को क्या होता है कि हम ऑब्वियसली जब वो फ्रूट्स खाते हैं तो हम दिखाते हैं कि बेटा ये एप्पल है जो तुम खा रहे हो, उसको एप्पल कहते हैं। तो उसके साथ हमने बुक्स में भी उसको दिखा दिया कि ये देखो ये एप्पल है, शो मी एप्पल, शो मी बनाना। तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, जब तक वो स्कूल जाने लगेगी तब उनको बेसिक जो नॉलेज है वो उन्होंने गेन कर लिया होगा। और लास्ट में ये हो गया वेजिटेबल्स, तो उसमें सारे वेजेस यहाँ पे जो हम डेली यूज़ करते हैं सारे यहाँ पे उन्होंने डाल के रखी है जो बुक्स में है मतलब। तो क्वालिटी के वाइज ये बुक्स बहुत ही अच्छी है, और जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो आप क्या कीजिएगा, मैंने जैसे किया है कि सारी बुक्स मैंने नहीं निकाली, मैंने सिर्फ फ्रिया को 2 बुक्स दिखाई है, जैसे कि फ्रूट्स की हो गई और जो मैंने दिखाई वो, कि जो वो हर दिन देखती रहती है फ्रूट्स वो खाती है, तो मैं उसको बुक्स में से दिखाती हूँ कि बेटा आपने ये खाया, ये है वो है। तो अभी क्या होता है कि वो ईज़िली हमें दिखाती है, शो करती है। जब भी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे एनिमल एलिफेंट कहाँ है, तो वो शो करती है। तो बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स, शेप्स एंड ऑल।
तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आपके बच्चे घर में छोटे हैं, बोर हो रहे हैं, तब उसको ऑर्डर कीजिए जल्दी एंड बच्चों को दीजिएगा। बट एक एक बुक जब वो कंप्लीट, मान लो कि आपने पहले व्हीकल्स की बुक दी, तो पूरी तरह से उसको ये सिखाइएगा कि इसमें क्या क्या व्हीकल्स है, उसके बाद आप उसको दूसरी बुक से इंट्रो करवाइएगा। नहीं तो क्या होगा, आपने सारी बुक्स बच्चे को दे दी ना, तो फिर वो भी बोर हो जाएगा और वो कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चों को सिखाने का भी कुछ तरीका होता है। तो बस ऐसे ही इस बुक से मैं एंटरटेन के साथ प्रिया को घर पे ही बहुत अच्छा सिखाती हूँ और वो बहुत अच्छा नॉलेज भी गेन करती है। अभी तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटी है, तो ये सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया, बट कुछ कुछ ऐसी बुक्स है इसमें जो उसकी एज के हिसाब से है, तो मैं उसको उसमें से सिखाती हूँ। तो अगर आपके भी बच्चे 2-3 साल के हैं, तो ये 4 साल के भी है, तो ये बुक्स ऑर्डर कीजिएगा और उनको जल्दी से सिखाइएगा और वो भी अच्छे से खुश हो जाएगा, क्योंकि उसकी पैकेजिंग, उसकी ये बुक ही इतनी अच्छी है ना, प्यारी लगती है। मुझे भी बहुत खोल खोल के पढ़ने का मन कर रहा है, इतनी अच्छी बुक्स है छोटू सी। सो बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है वो आप सबको पता ही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।